आज देखेंगे कैसे एक व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने नशे की आदत से पाया छुटकारा। चलेंगे पंजाब और मिलेंगे एक गर्भवती महिला से जिसके पीने के साफ पानी की समस्या को हल किया सीबीएन फाउंडेशन ने। देखेंगे गुरुग्राम के घाटा गांव में कैसे सीबीएन फाउंडेशन ने आयोजित किया फ्री मेडिकल कैंप। करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। भारत जयते। नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के द्वारा आप जान सकेंगे कि बुरी आदतों में से बाहर कैसे आया जा सकता है। आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे विश्वास के द्वारा इंसान अपनी बुरी आदतों में से बाहर निकल सकता है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके 16:31 में बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम और हमारा घराना पूरा का पूरा बचाया जा सकता है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं हैदराबाद के डेविड से और जानेंगे कि कैसे इनके जीवन में सुधार और बदलाव आया। इस कहानी को आप तक लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर एनी। मुझे इतना याद है कि जब मैं 7 कक्षा में था तो डॉक्टर ने मुझे ब्रांडी लेने का नुस्खा लिखा। जब भी मौसम बदलता तो मैं उसे पीता। मेरे पिता मुझे ब्रांडी का ग्लास और ऑमलेट दिया करते थे। मैं ऑमलेट खाता और थोड़ी सी ब्रांडी पीकर सो जाता था। डेविड थडी की रोग प्रतिरोध शक्ति जन्म से ही कमजोर थी। अगर मौसम में थोड़ा भी बदलाव आता या मैं अपने सगे वालों के घर जाता तब तुरंत ही बीमार हो जाता था। मुझे सर्दी जुकाम हो जाता जिसकी वजह से स्कूल का अटेंडेंस भी नहीं हो पाता था। शुरू शुरू में उसके माता पिता उसे ब्रांडी देने से हिचकिचाते थे पर फिर उन्होंने डॉक्टर की सलाह मान ली। जब पहली बार उन्होंने मुझे ब्रांडी पिलाई मुझे उसकी गंध अच्छी नहीं लगी, वो बहुत बुरी थी। जब पहली बार उसकी गंध मेरी नाक में आई तो मैं सोचता कि लोग इसे कैसे पीते हैं। मेरे पिता मुझसे कहते कि उसे पी जाऊं क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे पीना पड़ता क्योंकि ये मेरे पिताजी का आदेश होता था। सिर्फ 16 साल का होते होते क्योंकि डेविड पर कोई अंकुश नहीं था इसलिए उसे शराब पीने की आदत हो गई। हम अपनी माँ से थोड़ा बहुत डरते थे, उनके होते अनुशासन था, पर जब उनका देहांत हो गया तो हमें पूरी आजादी मिल गई। उस समय मुझे शराब की इतनी लत लग गई कि वो चाहे शराब हो या ब्रांडी मुझे कुछ ना कुछ पीकर अपने नशे की आदत को पूरा करना होता था। डेविड शर्मिंदा हो जाता कि वो क्या से क्या बन गया है। वो ये छोड़ना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। मैंने अपने आप से कहा कि ये आखिरी बार होगा। मैंने नए वर्ष की प्रतिज्ञा ली कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा और मैं उसे छोड़ना भी चाहता था, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला। मैं जल्द ही आपे से बाहर हो जाता और शुरू कर देता और मेरी आदत बढ़ती जाती। एक दिन किसी ने डेविड को क्रिसमस प्रोग्राम में आने का न्योता दिया और वहाँ उसका जीवन ही बदल गया। मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा प्रोग्राम है। आराधना हुई, बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया और एक वचन को पढ़ा गया। तब ब्रदर विंसेंट जो एक सुसमाचार प्रचारक है वो आए और उन्होंने लूका से बताया कि किस प्रकार मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने को आया था। उस दिन डेविड ने अपना जीवन यीशु को दे दिया। ऐसा था जब ज्योति किसी अंधेरे कमरे में आती है तब अंधेरा वहां पर नहीं रह सकता। जब यीशु मेरे जीवन में आया सब कुछ बदल गया और मैंने शराब पीना, अपशब्द बोलना, गंदी फिल्में देखना और दूसरे काम करना छोड़ दिया। यीशु ने अपने लहू से धोकर मुझे एक नई सृष्टि बना दिया। अगले दिन जब मैं दफ्तर जा रहा था तब मेरे पास बैठकर कोई धूम्रपान कर रहा था जिससे मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं सोचने लगा कि मैं भी अब तक ये सब क्यों कर रहा था। जैसे जैसे डेविड प्रार्थना करने लगा उसे यीशु की ओर से मिलने वाली सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव होने लगा। मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में तब पता चला जब मैंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तब से मुझे ऐसा लगने लगा। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैंने ऐसा संबंध बनाया एक बाप का और उसके बेटे का। मेरे लिए ये अनुभव बहुत ही सुखमय था।
आज डेविड व्यसन से मुक्त जीवन जी रहा है और वो यीशु का आभारी है उसके जीवन में आने के लिए। जब मैं 18 वर्ष का था और तब अगर यीशु मसीह ने मुझे बचाया ना होता, मेरा जीवन बहुत अलग सा होता। मैं एक शराबी बन जाता और पता नहीं किन किन व्यसनों में डूबा रहता। आज परमेश्वर ने मुझे कितनी आशीषें दी हैं। उसने मुझे एक अद्भुत पत्नी और 4 प्यारे बच्चे दिए हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। आज मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मेरा परिवार भी बहुत खुश है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी हमने देखा कि कैसे डेविड के जीवन में सुधार आया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। समीर जी, वाकई विश्वास कितनी बड़ी चीज है। उसके साथ हम लोग अभी तक तो देखते आए हैं कि बड़े बड़े काम होते हैं, लोग हील होते हैं, लेकिन जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वो हमारे अंदर एक कार्य करता है। बाहरी जो बदलाव है वो यूं ही नहीं हो जाता, जब अंदर बदलता है तब उसका असर बाहर दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जब बदलाव अंदर होता है यानी हमारे विचारों का, हमारे हृदय का, तब वो बदलाव बाहर भी नजर आता है और इसकी शुरुआत होती है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से। परमेश्वर आपको बदल सकता है। दोस्तों, जब हम बुरी आदतों के साथ संघर्ष करते हैं, शायद शराब की लत आपको परेशान कर रही है जैसे डेविड की जिंदगी में हुआ, तब अक्सर हम लोगों से सलाह सुनते रहते हैं। हर व्यक्ति हमसे कहता है ये मत करो, कब तुम शराब छोड़ोगे, परिवार में लोग क्रोधित हो जाते हैं और अशांति फैल जाती है और आपके अंदर भी एक विचार आता है कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन हम नाकामयाब होते हैं। कई बार नाकामयाब होते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम बदलाव देखना चाहते हैं। शास्त्र बताता है कि पौलुस भी जब लोगों को सलाह देते थे और कहते थे कि शराब मत पियो या बुरी आदतों में मत जाओ, पौलुस ये भी जानते थे कि सिर्फ इस सलाह से बदलाव नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत में पौलुस उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते, कहते कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। मनुष्य कमजोर है, अगर अंदर चाहत भी है बदलने की, हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम बदलाव देख सकें। लेकिन जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आ जाता है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमारी जिंदगी बदल जाती है। इफिसियों 5:18-20, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये वचन कह रहा है कि शराब से मतवाले मत बनो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करो, परमेश्वर में भरपूर रहो, और जब ये होता है तुम्हारा बाहरी जीवन भी बदल जाता है। जब हम शराब पीते हैं या हम मतवाले हो जाते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं, वी गेट इन टू सेक्सुअल टेम्पटेशन, बुरे कार्य हम करने लगते हैं, मे बी वी गेट वायलेंट, लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। ये वचन कहता है यू बिगिन टू सिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की जय जयकार निकलती है, धन्यवाद का हृदय तुम्हारा हो जाता है। एक संपूर्ण बदलाव तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। शराब के साथ संगति मत करो, परमेश्वर और उसकी आत्मा के साथ संगति करो। परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करें। हो सकता है कि आपका भी ऐसा कोई अनुभव है जो दूसरों के जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर हाँ, तो हम चाहते हैं कि जरूर आप अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें। अगर आज आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को चाहते हैं, आप भी इन बुरी आदतों में से बाहर निकलना चाहते हैं जिनमें आप धंसे हुए हैं, तो इसी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ मांगेंगे। प्रोग्राम में अब समय आ पहुंचा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे पंजाब। क्या आपने हमारे CBN फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा CBN फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका।
बहुत सी प्रोत्साहित करने वाली कहानियाँ, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। CBN फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि पानी एक ऐसी नेमत है जो हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार के साथ मिलाने जा रहे हैं जिन्हें पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और उनकी गर्भवती बहू को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। क्या उनके जीवन में सुधार ला सकता है कोई? आइए देखते हैं इस प्रस्तुति को जो खास तौर पर हम लाए हैं आपके लिए। अमनदीप को अपनी परवरिश के दौरान कभी पानी लाने के लिए लंबी दूरियां तय नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन जब शादी के बाद वो पंजाब के एक छोटे से गांव में आई तो काफी दूर से पानी लाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। विवाह के एक महीने बाद ही मुझे बहुत दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था, जिसकी मुझे आदत नहीं थी, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था। मुझे लगता मैं कहां आकर फंस गई हूं। पानी के लिए दूर जाने के वक्त अमनदीप इस बारे में काफी सोचती थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। ये बात सुनकर वो खुश तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर ने भी उन्हें घेर लिया। जब मुझे पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता तो उस दौरान मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता होती थी। क्या मेरा बच्चा ऐसा पानी पीकर स्वस्थ रहेगा भी, और मैं कैसे अपने नवजात शिशु को इतनी तेज धूप में लेकर साथ जाऊं? हम ऐसे में एक बच्चे को अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं, जबकि हम दोनों के पास हमारे लिए ही पर्याप्त नहीं है। अमनदीप के पति एक ईंट के भट्टे में काम करते हैं और उनकी कमाई से घर का खाना पीना बड़ी मुश्किल से चलता है। फिक्र उन्हें भी थी, पर उनके पास कोई समाधान नहीं था। फिर एक दिन वहाँ के पास्टर उनसे आकर मिले। मैंने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया और कुछ ही दिनों के बाद हमारे गांव में उनकी टीम सर्वेक्षण के लिए आई। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक कुआं खोदा। ये बिल्कुल हमारे घर के पीछे है। फिर CBN फाउंडेशन ने अमनदीप के गांव में एक हैंड पंप लगाया और साथ ही अमनदीप को एक किराने की दुकान भी दी, ताकि वो अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को सुधार सके। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी शादी के दिन थी। कुछ समय बाद CBN फाउंडेशन की टीम अमनदीप से मिलने गई और वहां हमने पाया कि उस छोटी सी दुकान ने बड़ा रूप ले लिया है और अमनदीप के पास एक प्यारा सा बेटा भी है। अब साफ पानी हमारे घर से कुछ ही कदम पर उपलब्ध है और अब हम अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए अच्छा पैसा भी कमा पा रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी मदद की है। अभी हमने इस प्रस्तुति को देखा जो हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह और चांद बेंजामिन आपके लिए लेकर आए, और उम्मीद करते हैं कि आपने देखकर जाना कि कैसे CBN फाउंडेशन ने लोगों को राहत दी। समीर जी, एक चीज और जो उल्लेखनीय है वो ये है कि इस परिवार को सिर्फ पीने का पानी ही नहीं मिला, साथ में ग्रोसरी शॉप भी मिली ताकि वो अपना अच्छे से गुजर बसर कर सके। बिल्कुल, जब हम जरूरतमंद को देखते हैं, हमें देखना है कि सिर्फ उनकी इमीडिएट नीड को ही हम पूरा ना करें, जो अर्जेंट है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसे भी हम देखें, यानी कि उनके भविष्य के बारे भी हम सोचें। सो एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब वो अपनी शॉप चला रही है तो शी कैन प्लान फॉर हर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में भी वो सोच सकती है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम किसी के जीवन को सुधार सकें और अच्छा बदलाव ला सकें। आप भी कर सकते हैं ये काम हमारे साथ सिर्फ 500 रुपए की धनराशि के साथ पार्टनरशिप में शामिल होकर। आपके योगदान के द्वारा उन लोगों के जीवन को छुआ जाएगा, बदला जाएगा और एक बेहतर भविष्य दिया जाएगा। आप इस पते पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ये रही आपके लिए हमारे पते की जानकारी। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। दोस्तों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक बहुत ही खास इवेंट पर भी आपको ले चलेंगे।
ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बोल होजैना गा होजैना, ये वचन है सुपर बोल। होजैना गा होजैना, ये वचन है सुपर बोल। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना और पढ़ेंगे आपके प्रार्थना निवेदनों को। तो आइए देखते हैं कि आज के निवेदन किसने भेजे हैं। तो देखते हैं कि आज का पहला मैसेज किसने भेजा है। ये सुहास लिखते हैं और कहते हैं कि वो बहुत परेशान है अपनी शराब की बुरी आदत की वजह से, जिसकी वजह से ना तो वो काम कर पा रहे हैं और ना ही उनको काम करने में साहस आ रहा है, और उनके परिवार, उनकी वाइफ और उनके बच्चे बहुत परेशानी में हैं उनकी इस बुरी आदत की वजह से। वो प्रार्थना चाहते हैं। सुहास, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। ये आया है किम का मैसेज, और किम लिखती हैं कि शी इज़ एन अल्कोहलिक, उन्हें शराब पीने की लत लग गई है और उनके पति बहुत नाराज़ है ये देखकर, और वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। किम, हम आपके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी शराब से या और किसी भी लत के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इस समय मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए यीशु मसीह के पास हम आए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। यू आर एन ऑल पावरफुल गॉड। यस गॉड, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। और इस समय हम खास मांगते हैं सुहास के लिए और किम के लिए, जो प्रभु शराब के लत के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि तू उन्हें छुटकारा देगा। यस गॉड, यीशु मसीह, तूने कहा कि तेरे नाम में सामर्थ है, और तेरे नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो छुटकारा होता है। इसलिए हम मांगते हैं कि तू इन्हें सामर्थ देगा कि ये पाप को ना कह सकें, और परमेश्वर तुझ में ये भरपूर होकर पवित्रता को हां कह सकें। हम मांगते हैं उन सब के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, बुरी आदतों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि तू आएगा और इन्हें छुटकारा देगा। हम मांगते हैं परमेश्वर कि ये अपनी ताकत में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तू इन्हें सामर्थ दे। हम मांगते हैं कि ये तेरे करीब आएंगे यीशु, तुझ में विश्वास करेंगे, तेरी आत्मा से ये भरपूर हो जाएंगे प्रभु, और तेरे रास्ते पे ये चलेंगे। लॉर्ड जीसस, आई आस्क यू, हमारी ये प्रार्थना है यीशु तेरे नाम से, डिलीवर देम, स्वतंत्र कर इन्हें इन बुरी आदतों से। यीशु मसीह, तेरे नाम से हम ये मांगते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, अपनी ताकत में तुम नहीं कामयाब हो पाओगे, परमेश्वर के पास आओ, दीन होकर आओ, वो तुम्हें सामर्थ देगा। प्रभु का वचन हमें सामर्थ से भर देता है, और साथ ही प्रभु ये भी बताते हैं कि हम अपने जीवनों को शराब की बजाय, मतवाले होने की बजाय, हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ अपने जीवन को बहाल करें। आइए देखते हैं कि आज का वचन हमें क्या सिखा रहा है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। उम्मीद करते हैं कि इस वचन के द्वारा आपको प्रेरणा भी मिलेगी और उत्साह भी। दोस्तों, आज मंगलवार है, और जैसा कि आप जानते हैं, हर मंगलवार को हम आपको एक बहुत ही खास इवेंट की सैर पर ले चलते हैं। तो आज चलिए गुरुग्राम के घाटा गांव में। यहां पर एक बहुत ही खास मेडिकल कैंप हुआ उन लोगों के लिए जिन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती। आइए उसकी एक झलक हम देखें। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पिछले 20 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है, और ऐसे विकास का खमियाजा यह है कि अगर एक तरफ आपको ऊंची इमारतें दिख जाएंगी, तो दूसरी तरफ ऐसी कई बस्तियां और गांव भी दिखेंगे जहां के लोग कमी और संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हीं पिछड़े इलाकों में से एक है घाटा गांव। ऊंची इमारतों के पीछे बसे इस गांव में कई चीजों की अब भी जरूरत है, विशेषकर बुनियादी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा की। 80-90 साल होगी, दूर दूर जाए, गुड़गांव जाए, बादशाहपुर जाए, यहाँ ना है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल की कुछ नहीं है। और इन सब के मद्देनजर CBN फाउंडेशन ने यहाँ जीवन वृक्ष मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की।
गुड़गांव के घाटा गांव के लोगों ने हमारे पास अप्रोच किया कि यहाँ पर उनको एक डॉक्टर चाहिए। उन्होंने देखा था हमारे प्रोग्राम में और हम लोग ने यहाँ पर क्लिनिक सेटअप किया। यहाँ पर ऐसे कोई हॉस्पिटल है नहीं है जो गरीब लोग आकर फ्री में दवाई लें या डॉक्टर को दिखा दें। इस कारण हमारा ये क्लिनिक यहाँ के लोगों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी बहुत जरूरतमंद और आवश्यकतापूर्ण है। सीबीएन फाउंडेशन मेडिकल मिशन के तहत ही यहाँ एक कैंप का भी आयोजन किया गया। इस समय बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं तो इसलिए हम लोग ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है ताकि लोग यहाँ पर आकर के अपना मेडिसिन ले सके। खांसी है, औखर में दिक्कत है, बुखार सब बना रहता है 24 घंटे। जो तो फ्री का इलाज चक्कर में आए हम, अगर फिर इलाज हो रहा हो तो इलाज करवा लें, हो जाए तो कुछ। हम तो भैया बढ़िया कम हो वह सब बीमारी नुआड़े हैं, किसी की दौरे कोई गरीब है कोई रईस है, किसी पे है पैसे किसी पे नो, हमको तो ऐसा चाहिए। इस सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैडम, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं ये तो इन अनाथ शनाप जो है कि 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए 60 रुपए लेते हैं। अब तो सबकी हो जाएगी, आज के जब खुल गई तो बढ़िया करे, बहुत बढ़िया करे। पार्टनर से तो हमारा सबसे बड़े शुक्रगुजारिश ये है कि ऐसा जो कैंप है, ऐसे यहाँ पे क्लिनिक है, ये जो चल रहा है उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को हो रहा है। मेडिकल कैंप तक ही सीमित न रहकर सीबीएन फाउंडेशन इस क्लिनिक के जरिए घाटा गांव के लोगों की सेवा के लिए सदा तत्पर है ताकि उन्हें जीवन और जीने की आशा मिल सके। अभी हमने देखा कैसे सीबीएन फाउंडेशन की मदद के साथ घाटा गांव के लोगों को फ्री डॉक्टरी सहायता प्रदान की गई। आज इस प्रोग्राम में हमने ये भी देखा कि कैसे सीबीएन फाउंडेशन की मदद से लोगों तक पीने का साफ पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, कल बुधवार है और बुधवार को हम सीबीएन फाउंडेशन के अनेक कार्यों के बारे में आपको बताते हैं, तो कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। साथ ही हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में कि कैसे लोगों को सीबीएन फाउंडेशन की तरफ से फ्री डॉक्टरी सहायता मिल रही है और पीने का साफ पानी भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप इस मधुर संगीत को सुने, इसका आनंद लें और परमेश्वर की जय जयकार करें। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।